दोस्तों मदक्कर नाम की मलयालम फिल्म रिलीज होने वाली है 26 मार्च 2021 जिसकी अनाउंसमेंट आज हुई है। एक पोस्टर रिलीज कर जहां पर मदक्कर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मोहनलाल। आखिर मदक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं। कुंजली मदक्कर नाम के एक नेवल ऑफिसर थे 16वीं शताब्दी में, जो भारतीय सीमा को एकदम तैनात थे, भारतीय सीमा पर तैनात थे, क्योंकि उस दौरान पोर्चुगीज इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन कोस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे 1507 से लेकर 1600 इस वक्त के दौरान, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल के आसपास के दौरान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुंजली मदक्कर इन्होंने भारतीय सीमा का सबसे पहला जो एक है ना बचाव का कर्म चालू किया, वो भी पोर्चुगीज के खिलाफ, और अपनी जो एक सीमा है इंडियन कोस्ट जो था उसकी रक्षा की है, डिफेंस किया है। और ये पहला जो डिफेंस किसी भी इंडिया की तरफ से किया गया, इंडियन कोस्ट की तरफ से किया गया, तो वो कुंजली मदक्कर ने ही किया था, वो भी पोर्चुगीज के खिलाफ, वरना पोर्चुगीज राज करते जो अब केरला है उस जगह पर। और यहाँ पर आपको बात करूँ कि एक बहुत बड़ी विशाल तौर पे ये फिल्म बन रही है। वैसे तो ये फिल्म की अनाउंसमेंट 1 साल पहले ही हुई थी, जहाँ पे ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी वर्जन में भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जो अनाउंसमेंट है वो इसलिए टल गई उसके बाद से क्योंकि कोरोना काल आ गया था। तो ये फिल्म फिर से रिलीज होने को तैयार है मार्च 26, 2021। अब आप सोचोगे मार्च 26, 2021 क्या ये सही रिलीज डेट है? मैं कहूंगा 110% सही रिलीज डेट है, क्योंकि 26 को फ्राइडे है, 27 को सैटरडे और संडे है 28 को। आप सोचो ये तो नॉर्मल बता रहा है। 29 को दोस्तों होली है मंडे को, यानी कि 4 दिन का एक बड़ा वीकेंड मिलेगा और ये फिल्म के लिए बेहतर होगा। ये मलयालम सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है। और पुल्ली मुरुगन नाम की एक फिल्म थी जिसमें अब बहुत अच्छा रोल निभाया था मोहनलाल ने, वो शायद 80 करोड़ में बनी थी, लेकिन ये प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की है। इसके अलावा कीर्ति सुरेश इस फिल्म में नजर आ रही है, सुनील शेट्टी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो 16वीं शताब्दी पे बेस्ड है, और मेरे ख्याल से मोहनलाल का जो कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेसिंग सेंस और जिस तरह से उनका जो एक्टिंग है, वो मलयालम सिनेमा का अमिताभ बच्चन जिसे मैं कहूँ तो, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और मुझे उम्मीद है ये फिल्म मलयालम सिनेमा में झंडे गाड़ेगी और बाकी और वर्जन में भी ये अपने नाम रोशन करेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।